मैं हूं बुद्धि प्रकाश, आपके साथ जीवनासा छात्रावास से बोल रहा हूं। आप सभी हिंदुस्तानियों से और हिंदुओं से, मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मेरी अपील है कि जो दुर्व्यवहार ईसाइयों के साथ किया जा रहा है उसमें हम सब सम्मिलित होकर उनका सहयोग करें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना हो, उनके जीवन को हानि ना पहुँचे, उनको किसी भी तरीके से किसी के द्वारा भी और मारा ना जाए जबरदस्ती करके। ये बच्चे जीवनाशा छात्रावास में पढ़ते हैं जो कि एक ईसाई संस्थान है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। चूँकि RSS, BJP और गुरु पक्षाणी जी जो कि बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं कोटा में हैं, ये सब मिलकर ईसाई संस्थान के पीछे पड़े हुए हैं और इनका ये मानना है, ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से बच्चों को रखा जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी तरीके से बच्चों को गैरकानूनी तरीके से नहीं रखा जाता। सबके माता पिता है, अभिभावक है और हर चीज़ उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पर सही ढंग से सही तरीके से उपलब्ध है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप सब हमारा सब सहयोग करें और ये बच्चे अनाथ नहीं है, इन बच्चे को माँ बाप और पेरेंट्स हर चीज़ उपलब्ध है। ईसाई समुदाय के साथ जो अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में वो नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे भाई और बहन है, नहीं होना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ और दलित समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं भी ईसाई संस्था में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि मैं आज भी मंदिर जाता हूँ, हर जगह हर त्यौहार हर जगह में सम्मिलित होता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी मेरी मदद करें और सपोर्ट करें इन बच्चों का जो इमैनुअल मिशन स्कूल रायपुरा कोटा जीवनासा छात्रावास में रहकर जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। धन्यवाद।